कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम हमने लिया है, जो हमारा सेकंड यूनिट है ना इसमें, उसमें से लिया हमने कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. दैट इकोसिस्टम जो है, व्हाट इज दिस इकोसिस्टम मीन, इसका मतलब क्या है इकोसिस्टम का, ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है ये इकोसिस्टम. सो दिस इकोसिस्टम वी कैन सिंपली डिफाइन दिस एज द सिस्टम इज फॉर्मड is formed from the interactions of variety of individual organisms with each other. इसमें हम देखते हैं कि इनका इंटरेक्शन रहता है with each other and their and with their physical environment. देखो बेटा यहाँ पर जो हमें इकोसिस्टम देखना है, ये सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है जो बनता है किससे, जहां पर इंटरेक्शन होता है. एक तो इंडिविजुअल्स के बीच में जो इंटरेक्शन रहता है, हमें पता है बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में जो है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, और एक तो इनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, और इन्हीं का इंटरेक्शन क्या होता है विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसके साथ क्या इन ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन रहता है. दैट सिस्टम जो वहां पर बनता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. और यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो ऑर्गेनिजम्स का भी, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो दैट फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट फॉर्म्स द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. यहाँ पर हम देखेंगे जो इकोसिस्टम है, दिस टर्म वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय, चैंसली इन 1935 में उन्होंने पहले ये प्रपोज की थी ये टर्म टैंसले ने. तो अकॉर्डिंग टू टैंसले इनका भी क्या कहना था कि इकोसिस्टम क्या है, उन्होंने भी कहा कि जो इकोसिस्टम है इट इज अ इंटीग्रेशन. उन्होंने अपने तरीके से अपने वर्ड्स में कैसे बताया कि इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फोर लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये भी यही है, हमने ऐसे इसको डिफाइन किया, लेकिन उनके जो वर्ड्स है उन्होंने बोला था इंटीग्रेशन है, ये दोनों का इंटीग्रेशन है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स. वो हो गई यही फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, दिस इज द नॉन लिविंग फैक्टर, एंड जो लिविंग फैक्टर है दैट इज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो ये कॉम्बिनेशन रहती है इस सिस्टम में, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. तो इससे जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. तो यही जो टैंसले है इन्होंने बोला, ये खाली ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब इस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म खाली नहीं है, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, बहुत होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है और जो लिविंग कंपोनेंट है, बोथ इज इंक्लूड्स द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है, या हम देखते हैं कि अर्थ, हम अर्थ लेंगे, अर्थ जो है दैट इज कॉल्ड द जॉइंट इकोसिस्टम, कॉल्ड द जॉइंट इकोसिस्टम. क्योंकि अर्थ पे जो बायोस्फीयर है, हमने पढ़े थे ना पहले ही कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, हमने पहले पढ़े थे कंपोनेंट्स, वहां पर हमने बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. तो वहां पर हम एक लेते हैं दैट इज बायोस्फीयर, दिस बायोस्फीयर इज कॉल्ड जॉइंट इकोसिस्टम, क्योंकि इसी बायोस्फीयर में इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, और इनका इंटरेक्शन रहता है फिजिकल एनवायरनमेंट में. यही यहाँ पर भी होता है, बायोस्फीयर में भी होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द जॉइंट इकोसिस्टम. अब ये जॉइंट इकोसिस्टम जो है, दैट इज बायोस्फीयर जो है, ये हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है टू हैंडल दिस, और वी कैन से टू स्टडी अपॉन द जॉइंट इकोसिस्टम, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है. इसीलिए हम इस बायोस्फीयर, दैट इज इस जॉइंट इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड दिस जॉइंट इकोसिस्टम इनटू स्मॉलर यूनिट्स. Yeah.
डिजाइन इकोसिस्टम जो है हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स। बट जो डिवीजन होती है दैट इज द आर्टिफिशियल डिवीजन, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ऐसे नहीं हिस्से बनाते हैं, जो हमारा बायोस्फीयर है उसको हम हिस्से ऐसे नहीं बनाते हैं, हम इमेजिनरी इसको डिवाइड करते हैं कि हाँ चलो ये मान लो ये एरिया जो है ये है हमारा इकोसिस्टम, तो उस पे हम फिर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल डिवीजन। हम इसको करते हैं इकोसिस्टम को या वी कैन सी द बायोस्फीयर को। So these smaller units of biosphere, smaller units of biosphere is called ecosystem. Ecosystem. अब हम देखते हैं कि जो ecosystem है इसको हम smaller units बनाते हैं, यहाँ पर इनका जो size है वो vary करता है। कहीं पर हम जो इकोसिस्टम लेते हैं वो सेंटीमीटर्स में भी लेते हैं, हम मीटर्स में भी लेते हैं, हम किलोमीटर्स में भी लेते हैं, तो जो साइज है साइज ऑफ इकोसिस्टम इट वैरीज, ये वैरी करता है। अब ये जो सेंटीमीटर्स में हमने लिया दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो है बायोस्फीयर का, ये हमने अगर सेंटीमीटर्स में लिया, या हमने कभी देखते हैं कि अगर हमने सेंटीमीटर्स में लिया या किलोमीटर्स में लिया, जो इनका साइज है वो वेरी करता है, ठीक है। बट द मोस्ट कॉमन जो इन हर एक इकोसिस्टम में रहता है दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। बेटा इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों कॉमन रहते, क्यों सेम रहता है हर एक इकोसिस्टम में, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, क्योंकि हम किसी भी साइज का इकोसिस्टम ले सकते हैं, लेकिन जेंट इकोसिस्टम नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही मैंने बोला इस पे स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। यस हां, अब हम देखते हैं कि इन हर एक इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी कॉमन रहता है, चाहे जेंट इकोसिस्टम हो चाहे स्मॉलेस्ट जो सेंटीमीटर उसमें रहता है, फ्लो ऑफ एनर्जी सेम। यहाँ पर समझ आता है आपको व्हाट डज दिस मीन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी? नो मैम, मतलब ये क्यों सेम रहता है? मैं बताऊंगी आपको, देखो अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सेंटीमीटर वाला इकोसिस्टम है, ये है किलोमीटर वाला या मीटर वाला कोई सा भी हम लेंगे, यहाँ पर हर एक जो साइज है साइज डिफरेंस रहता है, शेप डिफरेंस रहता है, बॉर्डर्स इसमें डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा लिया है यहाँ पर बड़ा लिया है, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस है। अब है फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो क्यों सेम रहती है, वो क्यों कॉमन है, वो इस तरह से है, अगर हमने छोटा इकोसिस्टम लिया चाहे यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लेंगे, ऑर्गेनिज्म हर एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है या फिजिकल एनवायरनमेंट हर एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमने लाइन लिया, यहाँ पर भी लाइन ही होगा, तो इस वाले लाइन जो हमने सेंटीमीटर्स में लिया या हम मान लो मीटर्स में लिया, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हम लेंगे लाइन ही आएगा, तो मीटर्स में हम लेंगे लाइन जो है यहाँ पर जो इसका डिपेंडेंस है या जो फूड है इट डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी लाइन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म है ना, कार्निवोर है, ये डिपेंड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अब जो इसको फूड चाहिए, इसको क्या फूड चाहिए इस इकोसिस्टम में, मतलब जो जिस पे डिपेंड है, मतलब इसको जो अदर एनिमल है डिपेंड करता है ना दूसरे, यानी तो प्लांट्स तो नहीं खाएगा, एनिमल ही खाएगा, नहीं एनिमल्स पे, और ये वाला लाइन भी डिपेंड करेगा उसी एनिमल पे, दैट मींस यहां पर जो एनर्जी है इसको सेम चाहिए ना, फूड इनको सेम चाहिए ना, फ्लो ऑफ एनर्जी। दैट मींस अगर हम कोई साइज किसी साइज का भी इकोसिस्टम लेंगे तो हर एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी है फ्लो ऑफ एनर्जी दैट मींस इसको जो फूड चाहिए वो सेम रहेगा, चाहे हम जेंट इकोसिस्टम में जाएंगे, बायोस्फीयर में जाएंगे या किसी भी और इकोसिस्टम में जाएंगे, वहां पर फ्लो ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉमन। ये समझ आया? यस मैम। अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो नेचुरली से पता चलेगा है ना दैट इफ ऑपरेट्स बाय देमसेल्व्स, ये खुद ही अपना काम करेगा इकोसिस्टम, तो जहां पर हम देखते हैं कि जो खुद ही ऑपरेट हो जाएगा, एग्जांपल हम लेंगे सॉइल,
जो सॉइल है इस पे हम हमारी इंटरफ्रेंस नहीं रहती है, जो मैन की इंटरफ्रेंस है इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि सॉइल जो है ये हमारे लिए क्या काम करता है, जो वेस्ट वाटर्स है दैट इट सीपल्स डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर, है ना, सॉइल पे जो हम छोड़ते हैं ना वेस्ट वाटर, वो खुद ब खुद ही जाएगा कहाँ, किस में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में, और वही ग्राउंड वाटर जो है उसको हम ड्रिंकेबल वाटर यूज करते हैं, हम अपने पर्पस के लिए, चाहे हम ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं फॉर एनी अदर पर्पस हम यूज करते हैं वो वाटर, तो ये खुद ब खुद ये उसको प्यूरिफाई करता है उस वेस्ट वाटर को। अब सेकेंडली हम देखते हैं प्लांट्स जो है, जो प्लांट्स है वो क्या खुद ही हमारे लिए क्या काम करते हैं, प्लांट जो है ये ट्रैप करते हैं प्लूटेंट्स, है ना, जो लीव्स है प्लांट्स पे वो ट्रैप करते हैं ये प्लूटेंट्स को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द यूजेबल कंपाउंड्स, या वी कैन से द हार्मलेस कंपाउंड्स उसमें कन्वर्ट करता है, क्योंकि हार्मफुल कंपाउंड्स वो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्लूटेंट्स, उनको वो हार्मलेस कंपाउंड्स में चेंज करता है ये प्लांट। देखो ये भी नेचुरली होता है, ये भी नेचुरली होता है, कि ये इकोसिस्टम जो है ये नेचुरली रन करता है, खुद ही ऑपरेट करता है, हमारी इंटरफ्रेंस इसमें नहीं रहती है। इस तरह हम देखेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल में क्या होगा, तो इसको हम खुद करेंगे वो मतलब खुद ही हो जाता है नेचुरली, इसको हम मतलब यहाँ से ही मतलब इसमें हमारा ये होगा, ये वाला इकोसिस्टम हम बनाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल जो है यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस रहेगी वो हमारी रहेगी, तो इट इज मेंटेन बाय मैन। देखो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पॉन्ड बनाया, पॉन्ड हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो पॉन्ड का पर्पस होता है वो क्या होता है, अगर हम देखते हैं किसी एरिया में जो पानी जो वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं रहती है वहां पर हम पॉन्ड डेवलप करते हैं, वहां से जो निकलेगा वो वेस्ट वाटर वो उस पॉन्ड में हम जमा करते हैं, और उसके बाद उसी पॉन्ड से वो वहां पर प्रोसेसिंग होती है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को बोलते हैं, तो वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो उसमें वेस्ट होते हैं उस वाटर में, वेस्ट वाटर में जो वेस्ट होते हैं सॉलिड मटीरियल प्रेजेंट होता है बहुत सारा, उसमें मिक्सचर ऑफ सॉलिड मटीरियल प्रेजेंट होते हैं, तो पॉन्ड की वजह से वो सॉलिड मटीरियल सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे जमीन पर, जो सेटल डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, और उसके बाद जो ऊपरी वाला जो पानी होता है उसको हम रन ऑफ करते हैं फॉर एनी अदर पर्पस, हम नहीं बोलेंगे वहीं पर पॉन्ड से निकलेगा पानी और हम ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज करेंगे, नहीं, पहले हम जैसे हमें एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करना होगा ना, हम हमें अगर हमारे खेतों में वगैरह वो पानी हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें वही पॉन्ड का पानी हमारे इस ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज करना है, पीने के लिए यूज करना है, तो वहां पर हमें और एक प्रोसेस वो आपको आगे आगे पढ़ना है उस रिलेटेड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, उस वाटर को फिर से हमें फिल्ट्रेट करना है प्रोसेस से, उसको करना पड़ता है, उसके बाद वही वाटर को ड्रिंकेबल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स हमें वहां पर होते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते हैं उस पॉन्ड के वाटर को, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं पीने के लिए भी। तो यहाँ पर ये दो सिस्टम्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यहाँ पर समझ आया? Yes, ma'am. अब हम नेक्स्ट लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम जो है वो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, मैं फ्लो चार्ट के जरिए आपको बता दूं, जो इकोसिस्टम है इट कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट्स, है ना, अभी हमने इसका आपको भी थोड़ा सा कंसेप्ट है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है बायोटिक, एंड सेकंड वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। यस मैम, तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है इट इंक्लूड्स फर्दर two components, we can see the it includes the two factors, first one is the physical or we can say climatic factors, jisse hamara climate jo hai banta hai hamare ecosystem mein, climatic factors, zara aap bolo kon kon se factors ho sakte hain is physical factor mein jisse hamara climate bhi banta hai, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वही जो बनता है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमें पता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है, अपन मैं लिखूं यहाँ पर थोड़ा सा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, अब फिजिकल में आएगा जैसे वाटर है,
ये भी जरूरी है हमारे इस क्लाइमेट को बनाने के लिए, टेम्परेचर, इसी तरह लाइट, इस तरह हम देखेंगे सॉइल, दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स और वी कैन से नॉन लिविंग फैक्टर्स. सेकेंड वन जो है दैट इज केमिकल फैक्टर्स, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस इकोसिस्टम में, केमिकल फैक्टर, दीज आर ऑल्सो द नॉन लिविंग फैक्टर्स. तो जो केमिकल फैक्टर्स है इट इंक्लूड्स inorganic substances, inorganic substances, and second one is the organic substances. देखो जो inorganic substances है इसमें हम लेंगे कार्बन जैसे है, हाइड्रोजन जैसे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ना, फॉस्फोरस, ये गैसे जो होते हैं ना प्रेजेंट हमारे एटमोसफियर में, तो दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये प्रेजेंट होते हैं एट एनी गिवन टाइम इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हर एक टाइम ये प्रेजेंट रहते हैं. जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, सब्सटेंसेस है, दैट इंक्लूड्स फैट्स, क्योंकि ये हमारे इसमें प्रेजेंट नहीं होता एटमोसफियर में, है ना, इकोसिस्टम में ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है. अब कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे. फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, हम देखें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, so these are the organic substances. ये present रहेगा हर वक्त हमारे ecosystem में, और ये जो organic substance है these are formed from these inorganic substances, by the consumption of these inorganic substances. जब ये कोई utilize करेगा हमारे इस ecosystem में inorganic substances, उसके बाद ही ये organic substances बनते हैं. अब next जो यहाँ पर है that is biotic component. बायोटिक कंपोनेंट जो है इट इज अ लिविंग कंपोनेंट. यहाँ पर मैं थोड़ा सा, इट इज अ लिविंग कंपोनेंट. तो दिस बायोटिक कंपोनेंट इट इंक्लूड्स लिविंग ऑटोट्रॉफ्स, यस मैम, एंड सेकंड वन इज द हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं वो? जो दूसरों पर डिपेंड हो, डिपेंड्स ऑन अदर्स, यस मैम. तो यहाँ पर जो सेल्फ नरिशिंग जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में कौन से होते हैं? दीज आर द प्लांट्स, है ना, प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं. ये प्लांट्स जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. यहाँ पर मैं लिखूं दीज आर द प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स. अब जो ये प्रोड्यूसर्स है या प्लांट्स जो है ये कंजप्ट, ये यूटिलाइज करते हैं इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को. जो मैंने यहाँ पर आपको बोला जो केमिकल फैक्टर में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दीज आर यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है प्लांट्स को क्या चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसको नाइट्रोजन चाहिए, इसको वाटर चाहिए, इसको लाइट चाहिए, है ना, टेम्परेचर वगैरह, वो सब जो इसको फिजिकल फैक्टर्स जो इसको चाहिए. इसमें से यहाँ पर हम देखेंगे ये यूज करके ये यूटिलाइज करता है इन सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को और उसके बाद अपने अंदर बनाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना. यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जो स्टार्च वगैरह जो इसको फूड बनाना है, खुद ही अपने लिए फूड तैयार करना है, तो बाय द कंजप्शन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये अपने लिए फूड बनाता है. और उसके बाद ही प्रोड्यूसर्स जो है इनको कौन खाता है? इनको एनिमल्स भी खाते हैं और हम भी, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स भी. हाँ बट बोलो मैम क्या? मैम मैं बोल रही थी कि इनको प्लांट्स भी, मतलब ये प्लांट्स इस पे डिपेंड होते हैं, मतलब एनिमल्स पे, मतलब एनिमल्स इन पे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या कभी वेजिटेबल हम भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं ना, वो हम भी आएंगे ना उसमें, हम यहाँ पर आएंगे हेटेरोट्रॉफ्स में, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं खाली, जो खुद ही अपना फूड बनाएंगे. दैट इज हमारे इकोसिस्टम में वो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं, वो बनाते हैं फूड अपने लिए. अब इन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, इन पर डिपेंड करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. अब कौन से हेटेरोट्रॉफ्स? इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो इनको हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं. यहाँ पर आपको लिख के थोड़ा सा, दीज आर आल्सो कॉल्ड द कंज्यूमर्स. अब ये कंज्यूमर्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड सेकंड वन इज द माइक्रो कंज्यूमर्स.
जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं वो किनको खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को. जैसे इसमें आता है हर्बीवोर, हर्बीवोर किनको खाता है? प्लांट्स को. फ्लो चार्ट के जरिए आपको इजी हो जाएगा, इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया. तो मैक्रो कंज्यूमर जो है इसमें फर्स्ट वन इज हर्बीवोर, ये खाता है इन प्लांट्स को. सेकंड वन इज कार्निवोर, कार्निवोर किसको खाएगा? हर्बीवोर को. एंड थर्ड वन इज द ओमनिवोर. ओमनिवोर इज द मैक्रो कंज्यूमर, जो हर्बीवोर इस पे डिपेंडेंट होता है, प्रोड्यूसर पे, कार्निवोर हर्बीवोर पे डिपेंडेंट होता है, और ओमनिवोर जो है वो दोनों पे डिपेंड होता है. दैट इज कार्निवोर भी और हर्बीवोर भी, दोनों पर डिपेंड. और उसमें हम आते हैं ह्यूमन बींग्स. और माइक्रो कंज्यूमर दीज आर द डिकम्पोजर्स, जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं डिकम्पोजर्स. और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द सेप्रोट्रॉप्स, जो डेड एंड डिकेइंग पे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है. हाँ वही बैक्टीरिया, एल्गे, फंजी वगैरह जो है वो डिपेंड करते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे. लेकिन जो इनका रोल रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे इकोसिस्टम में, दैट इट हेल्प्स टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? क्लीन करता है. क्योंकि अगर हम देखेंगे जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर ऐसे ही रहेंगे तो इनसे बहुत सारे डिजीज डेवलप हो सकते हैं. तो उससे हमारा हेल्थ जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा. तो माइक्रो कंज्यूमर्स यहाँ पर रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उनको डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखती है. समझ आ रहा है यहाँ पर? तो दिस इज अबाउट द सिस्टम. इसी से बनता है हमारा इकोसिस्टम. ये सब चीजें जब एक इकोसिस्टम एक सिस्टम में होंगे तो वहां पर ये इकोसिस्टम बनता है. तो लास्टली मैं आपको बता दूं, जब हम स्टडी करते हैं एक इकोसिस्टम पे, मैंने बोला ना इससे पहले भी, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अपने तक है, जो हमारे लिए इजी बन जाएगा स्टडी करना. तो उस एरिया, उतना एरिया हम ले सकते हैं इकोसिस्टम का. तो जो हम स्टडी करते हैं किसी भी इकोसिस्टम पे, दैट स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी. आपका एक पॉइंट होता है दैट स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. इकोलॉजी और कॉन्सेप्ट वगैरह वो इजी था आपके लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर लिया आपके लिए. ये वाला टॉपिक इसमें है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, वो भी आपका अलग टॉपिक है, इसमें वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम. तो ये आया समझ? यस मैम. चलो ठीक है बेटा. तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम.